तो दोस्तों आज मेरे फेसबुक के दो पेज किसी ने हैक कर लिए हैं, मतलब यहाँ पर किसी ने उनका एक्सेस ले लिया है जो कि बहुत कॉस्टली थे। उनमें सभी मोनेटाइजेशन टूल इनेबल थे, मतलब बोनसेज, एड्स ऑन रील्स, इन स्ट्रीम एड्स, सभी चीज़ मेरी इनेबल थी और उनसे मेरा अच्छा खासा यहाँ पर कॉपी पेस्ट का काम चल रहा था। तो मतलब दोस्तों आज का वीडियो कोई पॉडकास्ट नहीं होने वाला, आज के वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे लोग आपके पेज को हैक कर रहे हैं और किस प्रकार से मेरा पेज यहाँ पर हैक हुआ है और किसने किया है। इन सभी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि इससे भी आपको काफी चीज सीखने को मिलने वाली है, कैसे आप अपने प्रोफाइल को, अपने पेज को हैक होने से बचा सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ अपनी चीजें बता देता हूँ कि जो गलती मेरे साथ हुई वो आप मत कीजिएगा अगर आप यहाँ पर फेसबुक में काम करते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मेरे पेज हैक हुए हैं ये दोस्तों मतलब मुझसे नहीं हैक हुए हैं, मेरे साथ एक डीलर काम करता जो मेरे पेज को ही मैनेज करता, उनको भी एक्सेस करता रहता, उनको सब चीजों को देखता रहता है, तो उसी से ये गलती हुई। हालांकि मुझसे गलती नहीं होती क्योंकि मैं यहाँ पर फेसबुक में काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो यार हमको पता रहता है कि यहाँ पर कौन सी लिंक में क्लिक करना है, कौन सी लिंक में क्लिक नहीं करना। लेकिन मेरा जो यहाँ पर डीलर है वो यहाँ पर नया नया था, मतलब उसको भी कुछ ज्यादा चीजें नॉलेज नहीं है, मैंने उसे ऐसे ही मतलब रख लिया था ताकि वो मेरे पेज को हैंडल करता रहे, क्योंकि हमारे पास इतने पेज रहते हैं कि हम हर एक पेज को खुद से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो गलती ये हो गई दोस्तों कि यहाँ पर इस टाइम फेसबुक में आपको जैसे आपके अच्छे फॉलोअर आ रहे हैं, अच्छी यहाँ पर रीच हो रही पेज की या फिर अच्छे आपकी रील्स में व्यूज आ रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ पर लिखा रहता है साफ साफ कि आप यहाँ पर आपका पेज डिलीट होने वाला है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, आप तुरंत इस फॉर्म को फिल कर दो, इन चीज़ों को आप यहाँ पर लागू करो, इन चीज़ों को आप करो तभी आपका पेज बच पाएगा, अदरवाइज आपका पेज यहाँ पर 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाएगा। अब ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर कुछ मेरे यहाँ पर जो डीलर के पेज में आया था, मतलब मेरे ही पेज में आया था जिसको डीलर हैंडल कर रहा था, और डीलर ने गलती किया कि उसने मुझको बताए बिना ही वहाँ पर उस लिंक में क्लिक किया और वहाँ से पूरे फॉर्म को फिल कर दिया जहाँ पर वो चीज़ें मांगी जा रही थी, और पूरा एक्सेस यहाँ पर हैकर के हाथ में चला गया। तो मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैकर इतना दिमाग लगा रहे हैं कि उनको खुद हैक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब सामने वाले को लिंक ही भेज दे रहे हैं, वह खुद ही यहाँ पर ऐसे पढ़ करके इतने वो हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा पेज यहाँ पर ना डिलीट हो जाए और यहाँ पर लोग फॉर्म फिल करके अपने पेज को यहाँ पर एक्सेस दे रहे हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे मेरा पेज यहाँ पर हैक हुआ है और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए अगर आप यहाँ पर फेसबुक में काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कॉन्टेंट को अपलोड कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आ जाता हूँ अपने लैपटॉप में, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप है और यहाँ पर दोस्तों अपने सभी पेज को भी रिवील करूंगा। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पेज नहीं है, आप यहाँ पर फेक वीडियो बनाते हैं, तो आपको पेज भी रिवील करूंगा। मेरे पास बहुत सारे पेज हैं जिनमें मैं काम करता रहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अभी आप आ चुका हूँ अपने यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। मेरा जो डीलर है जो मेरे पेज को यहाँ पर हैंडल करता रहता है, तो इसके पेज में आप जैसे देख सकते हो उसने पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजा, तब मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाया, मैं यहाँ पर बिजी था तो मैं यहाँ पर उसको देख ही नहीं पाया। तो यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे आपको भी मैसेज आएगा, आपको पहले यहाँ पर ऐसे कुछ मैसेज आएगा, आप जैसे देख सकते हैं आपके पेज में पहले नोटिफिकेशन में ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पर लिखा रहेगा पेज इज एट रिस्क सी वाई। आप सोचेंगे कि यहाँ पर फेसबुक की तरफ से कोई यहाँ पर इशू आया, क्योंकि ऐसा यहाँ पर लोगो ही लगा देते हैं। जो पेज इज एट रिस्क लिखा है ये यहाँ पर उस जो पेज है उसका नाम है, आपको लगता है कि फेसबुक की तरफ से कोई ऐसा इशू आया होगा, तो ये किसी की आईडी है जिसमें आईडी में प्रोफाइल में इसने ऐसी फोटो लगाई हुई है और यहाँ पर नाम भी अपने प्रोफाइल का पेज इज एट रिस्क लिखा हुआ है, ताकि समझने वाले को समझ में आए। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है योर पेज विल बी डिसेबल बिकॉज समवन हैज रिपोर्टेड यू फॉर नॉट कम्प्लाइंग विथ द टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर कह रहा है कि किसी ने आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया क्योंकि आप यहाँ पर उनके पोस्ट को यूज कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर उनकी पोस्ट को यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसको वेरीफाई करो दोबारा। इसी में गलती हो जाती है क्योंकि आप में से बहुत से लोग समझते नहीं चीज़ों को और आप सीधे लिंक में क्लिक कर देते हो। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा एक लिंक और इस लिंक में जिसने क्लिक कर दिया भाई उसका पेज चला जाता है, उसका पेज यहाँ पर हैक हो जाता है। मेरे पेज में तो सभी चीज़ें मोनेटाइज थी और 1 लाख फॉलोअर थे, तो आप समझ सकते हैं बहुत कॉस्टली पेज था वो, उसका मेरे पास पेआउट है, वो बिना पेआउट के तो पेज को कुछ नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक दी हुई है और यहाँ पर नीचे ये भी लिखा है कि इफ़ यू डू नॉट कन्फर्म विथ 12 आवर, मतलब 12 आवर के अंदर आप अगर इसको क्लिक करके कन्फर्म नहीं करते हो तो आवर सिस्टम विल बी ऑटोमेटिक ब्लॉक योर अकाउंट एंड यू विल बी नॉट एबल टू यूज। हमारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट को बैन कर देगा, उसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा, जबकि फेसबुक ऐसी कोई भी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, सीधे किसी को वार्निंग नहीं देता है कि आपका पेज डिलीट हो जाएगा।
और बहुत से लोग इस चीज़ में डर जाते हैं कि यार 12 घंटे के अंदर अंदर हम इस लिंक में क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई कर दें, नहीं हमारा पेज यहाँ पर हैक हो जाएगा। और इसी गलती को से जो भी लोग इसमें क्लिक किए हैं तो यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड मांगता है, आपकी डिटेल्स मांगता है और उसको भरने के बाद आपका पेज आपके अकाउंट से एक्सेस चला जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर मेरे डीलर ने भेजा है मुझको कि कैसे उसके में स्क्रीनशॉट आया था जो दूसरा पेज था। मेरे पास दो पेज से दोनों पेज के यहाँ पर एक्सेस जा चुका है। यहाँ पर वीडियो यहाँ पर ऐसा कुछ आया हुआ था, यहाँ पर लिखा यू हैव अनलॉक द अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरीफाइंग पोटेंशियल, ऐसे कुछ ये ऑप्शन आया हुआ था जहाँ पर लिखा थी आप इसको क्लिक करके वेरीफाई करो अपने अकाउंट को, अदरवाइज आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर फेसबुक को कोई इशू नहीं है। जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यू है, ये मतलब पहले से ही किसी की आईडी बनी हुई है ऐसा क्लिक किए हुए हैं। और नीचे देखें कितने लोग इसने टैग करके उनको उनके पेज को हैक किया, बहुत सारी प्रोफाइल हैं। ऐसे ही आपकी ही प्रोफाइल नीचे शो होगी, आपको लगेगा कि यार फेसबुक ने दिया है और आपको भी कोई हैकर टैग कर देता है। इसका मैं आपको सीधे सीधे सोल्यूशन बता देता हूँ कि इसका सीधे सीधे सोल्यूशन यही है कि ऐसे कोई भी आपको मैसेज आए, आपको ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन दिखे, इसमें क्लिक करके इसके लिंक में नहीं क्लिक करना है, इसके प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में जा करके इसको डायरेक्ट ब्लॉक कर देना है, ब्लॉक भी करना है और इसकी जो प्रोफाइल है उसको रिपोर्ट भी करना है। जैसे आप रिपोर्ट करेंगे बहुत से लोग तो फेसबुक ऐसे अकाउंट को ऑटोमेटिकली बैन कर देता है क्योंकि इसमें अनयूजुअल एक्टिविटी होती रहती है, ये किसी न किसी को टैग करते रहते हैं हैक करने के पर्पस से। अब मेरे में गलती ये हो गई कि मेरे डीलर ने मुझे टाइमली नहीं बताया है, उसने पहले फॉर्म फिलअप किया देन मुझे बताया है और मैंने क्या किया था कि मैंने पासवर्ड को तुरंत चेंज किया। अब हैकर इतने स्मार्ट होते हैं कि वो यहाँ पर दिन भर लगे रहते हैं कि कैसे कोई एक्सेस क्लिक करे, कन्फर्मेशन करे, हम उसका पासवर्ड एक्सेस ले लें। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की उसने तुरंत एक्सेस ले लिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हैकर कितने स्मार्ट होते हैं कि जैसे ही किसी ने लिंक में क्लिक किया हम उसके पेज को एक्सेस ले लेंगे। अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पेज अभी तक नहीं आया हुआ, 4 दिन हो चुके हैं और कब तक आता है कोई कहा नहीं जा सकता क्योंकि फेसबुक की जो सपोर्ट टीम है बहुत डिले करती है, बहुत डिले रिप्लाई करती है। तो मैं भी यहाँ पर इसमें लगा हुआ हूँ, इसको बैकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी टाइम भी लग सकता है। और आप में से जो भाई यहाँ पर इस लिंक में क्लिक कर चुके हैं आपका एक्सेस जा चुका है तो जल्द दोस्तों मैं आपको एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बताने वाला हूँ कैसे आप इसको रिकवर कर सकते हो। क्योंकि अभी मैं YouTube में देख रहा हूँ कोई यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो नहीं बताया है, सबको यहाँ पर ये बता रहे हैं इस लिंक में क्लिक नहीं करना, लेकिन जिसने क्लिक कर दिया जिसका पेज यहाँ पर हैक हो चुका है उसका कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं बता रहा है। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी किया तो वो यहाँ पर कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं मेरे पेज को रिकवर करने के लिए। और अभी दोस्तों मैं आपको अपने पेज दिखा देता हूँ, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पेज नहीं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ पेज भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने पेज में मैं काम कर रहा हूँ। ये पेज तो अभी 7-8 पेज जिनको मैं खुद मैनेज करता हूँ, बाकी जो पेज उन्हें मैनेज कर ही नहीं पाता तो मेरे डीलर मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में आ गया, मैंने यहाँ पर फेसबुक सर्च किया, आप जैसे देख सकते हैं मैं अपने फेसबुक को सर्च करता हूँ और मेरी एक ही आईडी में अभी यहाँ पर 6 से 7 पेज यहाँ पर लॉगिन है, मेरे यहाँ पर 4-5 आईडी है। तो मैंने ऐसे अपनी आईडी को यहाँ पर ओपन किया, आप जैसे देख सकते हैं मेरे साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सभी प्रोफाइल को जिनके नाम को मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है। इसलिए ब्लर किया क्योंकि इसमें जो मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ आप में से बहुत से लोग उसको कॉपी पेस्ट करेंगे वहाँ से यूज करेंगे तो इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है कंटेंट मैच होने में। तो ये आइडियाज है जो मैं टाइम टू टाइम न्यू वीडियो बना करके आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पेज कितने हैं जिनमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके पेज नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं उनको रिवील नहीं करता क्योंकि इनकी कंटेंट चोरी होने का डर रहता है। अब दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता देता हूं कि हैकर कौन है जो आपके पेज को हैक कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि जो मेरा पेज था जिसका नाम था ट्रेंडिंग वायरल 2.0 ऐसे कुछ नाम से मेरा पेज था, तो जब उसको हैक किया गया तो मैंने उसको फेसबुक में सर्च किया तो फेसबुक में सर्च करने में कुछ टाइम तक तो मेरा पेज उसी तरह शो हो रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली फिर वहां पर जो अबाउट सेक्शन होता है वहां पर पाकिस्तान का नंबर शो होने लगा और वहां पर जितनी भी जीमेल आईडी होती है वहां पर जितनी भी डिटेल थी सब पाकिस्तान की ही थी और थोड़ी देर बाद वहां पर डीपी भी पाकिस्तान की लग गई। तो मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के ही हैकर हैं जो यहां पर पेज को हैक कर रहे हैं इस प्रकार से लिंक को यहां पर सेंड करके। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपने काफी चीजें सीखी होंगी कि आप अपने पेज को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो अभी तक आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम में बहुत सारे फ्रेश पेज यहां पर सेल करता रहता हूं जिनको मैं यहां पर काम नहीं कर पाता, जिन्हें मैनेज नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेज रहते हैं जिनमें मैनेज नहीं कर पाता हूं। तो मेरे पास बहुत सारे पेज हैं एड्स ऑन रील्स के, बोनसेज के, इनस्ट्रीम एड्स के, सेटअप के पेज, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से बाई कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।